तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं माता अंजनी के दरबार में। कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये भी एक पवित्र भूमि है, भगवान का टिक्का लग गया है। एंड सबसे अच्छी बात है ना, मंदिर में आरती चल रही है, उससे ज़्यादा और क्या अच्छा होगा। चाय वगैरह पी के हम जो है अपने रूम में चले गए थे। थोड़ा सा मैंने भी 10 से 15 मिनट की नींद मारी, फिर अचानक से नॉक हुआ, गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो बस यहाँ पे राजेश भाई की गाड़ी जो है वो पार्क करने के लिए आया था। राजेश भाई थोड़ा सो रहे हैं, मैंने कहा चलो भाई मैं पार्क कराता हूँ। खैर अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, ज़्यादा तो वक्त नहीं रुकेंगे, जो भी नज़दीक के स्पॉट्स हैं वो सब करेंगे। बाय द वे अब दुकानें जो है ना इस तरीके से खुलने लगी हैं, है ना, यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, ऐसे गिफ्ट शॉप हैं, है ना, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ ली है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं भी शायद घर पे दिखाऊँगा या फिर पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन दिखाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत चीज़ ली है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, डर के हर मंडे को महादेव की जो है ना शोभा यात्रा निकलती है। जैसे सोमनाथ जो हैं उनके राजा हैं, वैसे उस क्षेत्र के राजा हैं। ठीक इसी तरीके से जो अपने त्र्यंबकेश्वर महाराज हैं वो त्र्यंबक के राजा हैं, तो उनकी ऐसे ही शोभा यात्रा निकलती हैं। वो अपने प्रजा से मिलने के लिए निकलते हैं, तो उस तरीके की शोभा यात्रा में जिस तरीके से भगवान को सजाया जाता है, उस तरीके की एक आइडल मैंने ली है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत खुश होता है। अब बाजू वाले रूम में मारामारी चल रही है, फ्रेंड्स मारामारी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड अब हम कर रहे हैं चेकआउट। सारा सामान जो है हमने उठा लिया है, यहाँ का थोड़ा ठीक हो गया, ये कुंबल ऐसे रखा हुआ है, बाकी बिलोंगिंग वगैरह सारी ले लिए, बिलोंगिंग ले लिए ना उन्होंने सब, है ना। चलिए फिर निकलते हैं। हर हर महादेव, शिव शंभो। चलिए जी, रूम हो चुका है लॉक और अब हमारा हो चुका है चेकआउट। थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा, है ना निरंजन, क्लाउडी होना चाहिए। कौन आए कौन रिसेप्शन में दे, ठीक है चला, थैंक यू। ऑलराइट, तो थोड़ी सी शॉपिंग की है, मतलब मैंने नहीं, विवेक ने, भगवान श्री हरि विष्णु ने थोड़ी सी मूर्ति ली है जी। तो अब हम फिलहाल जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा देवी के मंदिर करने के लिए, अन्नपूर्णा देवी मंदिर दर्शन करने के लिए, ठीक है जी। तो वैसे धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करें, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो जाना तो सही है, लेकिन और नज़दीक है। वो रहा भगवान का मंदिर, माता का मंदिर, अन्नपूर्णा देवी तो महादिशक्ति हैं, उनके दर्शन तो बनते हैं। महादेव के दर्शन के साथ साथ अगर आदिशक्ति के दर्शन नहीं हुए तो मतलब मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। सो चलिए चलते हैं। तो भाई एक इस तरीके की जो है यहाँ पर आपको शॉप देखने के लिए मिल जाएंगी। वैसे तो महादेव का दरबार है तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएगी, शिवलिंग मिल जाएगा, मंदिर बैल की जो प्रतिमा है वो मिल जाएगी, भगवान शिव से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, एंड नाश्ते वगैरह के लिए इस तरीके से कुछ शॉप हैं। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है ना, ये अपने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से नज़दीक ही है, बस 15 मिनट्स की दूरी पर है, और आप वॉकिंग करके जो है ना यहाँ पर आ सकते हैं। बस वही चीज़ें हम कर रहे हैं, एंड बोल रहे हैं कि 70-80 जो है वो स्टेप्स हैं तो चढ़ पाएंगे। तो मंदिर के परिसर में बस कुछ ही देर में हम प्रवेश करेंगे, मेन गेट है, गेट से जी, गेट से प्रवेश करते ही यहाँ पे मिलेंगे हमें सीढ़ियाँ, माँ अन्नपूर्णा देवी मंदिर दिख रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, और जितेश ने ली है शपथ कि वो हम सबको अपने कंधे पर उठा के लेके जाएगा, एक एक करके जोत सपाट। और ये मंदिर हमारे सामने,
अब चलते हैं दूसरे देव दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा और शांत मन शांत हो गया है ना, यहाँ पर आके थोड़ा और मन शांत हो गया। देखिए वो उठने के बाद थोड़ा सा वो था, देखिए यार फ्रेश फ्रेश नहीं लग रहा था, यहाँ पर आके फ्रेश हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। माध्य शक्ति की क्या एकदम ज़बरदस्त मूर्ति है यार, मज़ा आ गया। बाय द वे यहाँ पे व्यू देखिए कितना सुंदर है, ये कौन सा पर्वत है मैं भूल जाता हूँ, ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ पर महादेव ने तांडव किया था, यहाँ से ही गंगा नदी का उद्गम है। अनफॉर्चुनेटली इस बारी में नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर जाएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं। तो दोस्तों हमारी सवारी जो निकल चुकी है वो है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भगवान टेम्पल। हाँ जी, तो भगवान हनुमान जी के जन्म स्थान पे जो है हम जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म जो है ना यहाँ पे हुआ है, तो बस उस पवित्र धाम के आज हम दर्शन करने वाले हैं। यहाँ से बस 12 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं 6 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 या 15 मिनट में हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाय द वे यहाँ पे राजस्थान का फील अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, ब्यूटीफुल है ना, बहुत सुंदर है। ठीक है जी, तो अब एक काम करते हैं, हम मंदिर में डायरेक्ट आपको मिलते हैं। एक मिनट हो प्रभु। तो ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे टिक्का लगाते हैं, तुम्हें लोगों शाड़े जाता कि नहीं जाओ ना लोग आने आने, तुम्हें इकड़े काय करता है, मैं सेवा करता है, असल टिक्का लावायचे सेवा करता है। गुड गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं माता अंजनी के दरबार में। कहते हैं दैट कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये भी एक पवित्र भूमि है, भगवान का टिक्का लग गया है। एंड सबसे अच्छी बात है ना, मंदिर में आरती चल रही है, उससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। अरे एक काम कर, ये चप्पल गाड़ी में रख देते हैं ना, वहीं पर रखते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। बोल पवन पुत्र हनुमान की, सियापति रामचंद्र की। हरे राम जब चल रहे हैं, आरती चल रही है, आरती है, हरे राम। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मायापुरी वृंदावन। हाँ वृंदावन वगैरह जब जाना है, वृंदावन जाए एक हफ्ते छुट्टी लेके जाए। हाँ उधर रहने का, उन बहुत 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 प्यारी जगह, घूमने का, खाने का, सोने का। सही बात है। अभी ये चप्पल कहाँ निकालेंगे, गाड़ी में रख के आते थे वही ना, वो अच्छा होता है जी। तो चप्पलें हमने यहाँ पर निकाल दी है, एंड नहीं। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, सुंदर एकदम। कुछ छोटी मोटी जो है ना, ज़्यादा नहीं होंगी, 20-25 मेरे ख्याल से सीढ़ियाँ होंगी। और मंदिर के इस तरफ आपको मिलेंगे कुछ दुकानें जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, इस धाम के दर्शन करने के लिए बहुत बहुत। तो भाई हमारे पवित्र दर्शन हुए हैं, एंड भगवान की प्रतिमा जो थी ना वो तो इतनी मनमोहक थी कि क्या बताएं, एंड कोई महाराज थे। हाँ यहाँ पे देखिए ये है अंजनी माता
मंदिर का दरबार, एंड वहाँ पर जो है ना भगवान की इतनी प्यारी और मनमोहक मूर्ति थी, मतलब देख कर तो मतलब हाँ, और बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। एंड उसके बाजू में एक छोटी सी मूर्ति थी, देखना वो प्राचीन मूर्ति थी, वो हनुमान जी की। हाँ वो मुकुट दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे आके ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ गुड डिसीजन दैट वी हैव केम हियर। एंड आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं ना तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइए एंड भगवान के दर्शन करके जाइए। गुरुजी भी आए। हाँ गुरुजी भी आए थे, एक वहाँ पे प्रवचन चल रहा था। महामंडलेश्वर सरस्वती जय हो, प्रसाद भी मिला है, भगवान का फेवरेट लड्डू। जय श्री राम।